तो आज क्या कुछ नया चल रहा है देखते हैं। आज 6 जनवरी, 6 जनवरी की अपडेट में सबसे ऊपर वही CVL वगैरह, NAD, CVL वाली वेबसाइट से NAD का फॉर्म भरना ज़रूरी है, वो जमा कर लें। वैसे ये बता रहे हैं कि जो प्राइवेट फॉर्म चल रहे हैं उनमें लग नहीं रहा है इसका नंबर, तो बनवाना ज़रूरी है क्या? तो भाई बनवा लेना, नहीं बनवाया तो बनवा लेना, क्योंकि कब भी कब मांग ले कब नहीं कुछ पता नहीं है उनका। ठीक है, अभी नहीं लग रहा है, लेकिन नोटिस में आया था कि बनवाना ज़रूरी है। तो 13 जनवरी लास्ट है डेट इसकी, बढ़ा दी गई थी। ठीक, CCS यूनिवर्सिटी प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म चल गए परसों से, और कल इसके फर्स्ट ईयर वाले भी चल गए, जो लगभग 2 या 3 दिन बाद खुलते हैं, वो भी खुल गए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आप करा सकते हो, BA BCom का, MA MCom का। फीस वगैरह थोड़ी बहुत ज़्यादा दी है इस बार, बाकी आप देख के भर सकते हो CCS यूनिवर्सिटी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी भी, मतलब कमेंट में मुझे बताया, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, कि हमारा फॉर्म नहीं खुला, स्टूडेंट डेटा नोट फाउंड आ रहा है, तो हो रहा है भाई ऐसे, कोई कोई फॉर्म में दिक्कत आ रही है, लेकिन खुल जाएगा वो, थोड़ा वेट करो। और पापा का नाम और मम्मी का नाम स्पेस वगैरह देख के डालना, स्पेस बीच में है तो डालना, नहीं है तो नहीं डालना, तो थोड़ा सा देख के थोड़ा सा करना उसे, वो हो जाएगा। ठीक है, अगर तो सही डिटेल डाल के नहीं हो रहा है तो थोड़ा वेट करके कर लेना, हो जाएगा आराम से। CCS यूनिवर्सिटी प्राइवेट फॉर्म हाँ चल गए हैं। CCS यूनिवर्सिटी की सारी लिंक इसमें दी हुई है। यूपी टेट के एडमिट कार्ड 8 तारीख का पेपर है, वो जाके डाउनलोड कर लें, नया एडमिट कार्ड आ गया है। कॉलेज तो शायद नहीं बदलने का, लेकिन डेट और टाइम बदलने की संभावना है। डेट तो बदल ही गई, टाइम बदलने की संभावना है, फर्स्ट मीटिंग सेकेंड मीटिंग जो भी है। SSC GD मेडिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड करें यहाँ से। NTA नीट की 6 तारीख लास्ट डेट कर दी गई है, आज 6 तारीख है, आज इसे भर सकते हो आप। 4 जनवरी से 14 चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्राइवेट फॉर्म चल गए हैं, मैंने बता दिया। अगर आप इस लाइन पे टैप करोगे तो ये ले जाएगा आपको उस नोटिस पे जहाँ पे लिखा हुआ था। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, CCS यूनिवर्सिटी प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म, ये वेबसाइट खुल गई है हमारी, जिस पर भरे जाएंगे। इस पर टैप करोगे, फिल न्यू फॉर्म करोगे, तो ये देखो UG ईयरली रेगुलर एग्ज़ाम फॉर्म्स, और UGPG ईयरली प्राइवेट फॉर्म्स, और UGPG ईयरली प्राइवेट फॉर्म्स। तो देखो फर्स्ट ईयर वाले पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आ गया, फर्स्ट ईयर वाला डेटा निकल गया। ठीक, उसके बाद CCSU web.in पे आएगा एग्ज़ामिनेशन पोर्टल, इस पे जाके न्यू फॉर्म पे जाके, और अगर आप नीचे वाले पे क्लिक कर ले हो UGPG ईयरली प्राइवेट फॉर्म, तो ये आ गया यहाँ पे PG मेन और UG मेन। अब UG मेन का देखते हैं, तो UG मेन पे 4 है, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर, और BCom सेकेंड ईयर, BCom थर्ड ईयर। अगर यहाँ पे करते हैं PG प्राइवेट मेन, तो PG में आएंगे MA और MCom। ठीक है, क्योंकि BSc और MSc ये होते हैं आपके रेगुलर। तो हम थे आपके वेबसाइट पे जिसमें हम पढ़ रहे थे 6 तारीख की डिटेल्स। तो इसमें भाई ये हो गया आपका, 26 जनवरी से कोस्ट गार्ड नाविक के फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो वो आप भर सकते हो। और कोस्ट गार्ड नाविक में वही है, 80 या 84 ऊपर से ऊपर मेरिट लगेगी, तो मेरिट वगैरह के बेस पे होती है, इनके सबके एडमिट कार्ड नहीं आते जब तक ये फीस नहीं लेने का, तब तक एडमिट कार्ड सबके नहीं देने का। जैसे पहले नेवी के भी होते थे, AAA SSR वगैरह, इनमें जब तक फ़ीस नहीं जाती थी तब तक परसेंटेज बेस पे आते थे, लेकिन अब फीस जाने लगी तो सभी के देने लगे। SSC CHSL 10+2 ये भर सकते हो आप, 10 तारीख लास्ट डेट है। UPSC BEO अगर आपने BEd कर रखी है तो ये भर सकते हो, 10 तारीख लास्ट डेट है। DMRC दिल्ली वाला है, ये दिल्ली की दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो UG है अगर आपके पास BA BSc BCom और डिप्लोमा ITI, बाकी नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, ये 13 जनवरी इसके लास्ट डेट है, भर सकते हो इसे। एयरफोर्स के फॉर्म चल गए, 20 तारीख लास्ट डेट है, जिसकी मैंने कल वीडियो में बताई थी कैसे भरना है, क्या ध्यान रखने की बात है। इसमें भी एक बार बता दूँ, एक तो आप ध्यान रखना, जब आप ये लिखो कि हाइट कितने सेंटीमीटर है, हाइट को छोड़ के बाकी सब चीज़ इंच में होती हैं। अगर आप चेस्ट लिखोगे कि मेरी 80 सेंटीमीटर है, या 80 लिखोगे या 78 लिखोगे, तो गलत हो जाएगा। 30 या 31 या 32 जितनी भी है आपकी, इंच में लिखोगे उसे आप, वेस्ट आप इंच में लिखोगे, और आपका जूते का साइज आएगा 8, 9, 10 जो भी आपका है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म चल रहे हैं, 21 तारीख लास्ट डेट है। DRDO MTS के चल रहे हैं, 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल ऑपरेटर के फॉर्म चल रहे हैं, 27 तारीख इसमें लास्ट डेट है, इसमें टाइपिंग वगैरह मांग रखे हैं। ये भी पॉलिटेक्निक के भी चल गए, इसकी लास्ट डेट कुछ नहीं दिखा रखी है, मैंने ऐसे ही मान ली कि 20 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन लगभग पिछले हिसाब को देखते हुए इसकी 20 के बाद ही होगी लास्ट डेट। और आर्मी की भर्ती
चल रही है, आगरा अलीगढ़ फिरोजाबाद हाथरस मथुरा, ये 3 तारीख को आई थी। कासगंज की भी है इसमें, 16 फरवरी लास्ट डेट है इनकी, भर्ती चलेगी 22 फरवरी से 15 मार्च। अच्छा, यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हो यहाँ से लिंक से। इंडिया पोस्ट GDS की है, मैंने बता रखा किस तरीके से अप्लाई करना है, अभी कोई नए फॉर्म निकले नहीं है, और निकलेंगे तो चेक ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके आप देख सकते हो। UPSRTC की कंडक्टर वाली भर्ती के लिए 111 जो पोस्ट है वो पेंडिंग में है, वो कब इसकी नई मेरिट आएगी, कब बुलाएंगे वो, उनका कुछ अभी पता नहीं है। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का 2019 का परिणाम घोषित कर देगा, इस लिंक पर जब आप टैप करोगे तो सीधे आप पहुँचोगे अमर उजाला की वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको सब नाम दिए गए हैं, 9वीं 10वीं वर्ग में कितने बच्चे हैं और 11वीं 12वीं वर्ग में कितने बच्चे हैं। स्कॉलरशिप की जो राशि है वो ऊपर दी गई है कि जो 11वीं 12वीं हैं 18 विद्यार्थी को 50-50 हज़ार रुपये, और बाकी के छोटी जो क्लास है 9वीं 10वीं के 18 विद्यार्थी को 30-30 हज़ार रुपये दिए गए हैं। इसमें सब फिक्स होता है कि कितने बच्चे लिए जाएंगे, कितने क्या, सब सही सब चीज़ ठीक है। तो अभी आ गया है उसका रिजल्ट, वो चेक कर लेना अगर आपके यहाँ किसी ने दिया हो तो। यूपी पॉलिटेक्निक के आ गए हैं, ये मैंने बता दिया। CCS यूनिवर्सिटी की मैंने बता दी। BSF हेड कॉन्स्टेबल की अभी कुछ पता नहीं है भाई, पेंडिंग में पड़ी हुई है। और PET PST की जो डॉक्यूमेंट आया था उसका, कि 3 तारीख को पेपर है उसका, वो सब चीज़ डेट डिक्लेयर हुई थी लेकिन अभी कुछ आया नहीं है उसका, पेंडिंग स्टेटस में है। जेल वार्डन कब एडमिट कार्ड आएंगे कुछ पता नहीं है। इंडिया पोस्ट ऑफिस के कब एडमिट कार्ड आएंगे, सॉरी मेरिट लगेगी इसकी, उसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि 1.5 साल पहले लगभग फॉर्म भरे गए थे वो यूपी में, जब तक उसका नहीं है कुछ आने का तब तक अगला कुछ मतलब फॉर्म नहीं निकलने का यूपी में। दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश कॉन्स्टेबल की भर्ती जल्दी आने की संभावना है। NTPC और ग्रुप डी का एडमिट कार्ड कब आएगा इसकी भी कोई डिटेल नहीं है नेट पे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, बाकी कुछ अगर पूछना हो तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।